हेलो स्टूडेंट्स हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है हिस्टीरियोग्राफी डेवलपमेंट इन द वेस्ट आ, इस, इसके आगे का मतलब सेकेंड चैप्टर जिसका नाम है हिस्टीरियोग्राफी डेवलपमेंट इन द इंडिया अभी ये पूरे चैप्टर चैप्टर में हमें सीखना है कि हिस्टीरियोग्राफी मतलब क्या है ओवरऑल अगर सिंपल वर्ड्स में हिस्टेरियोग्राफी का मतलब अगर हम समझने की कोशिश करेंगे तो हिस्टेरियोग्राफी मतलब वे ऑफ स्टडीइंग हिस्ट्री हिस्ट्री किस तरह से स्टडी की जाती है अभी हिस्ट्री कौन स्टडी करता है हिस्ट्री स्टडी करने वाले जो लोग होते हैं उनको हिस्टोरियंस कहा जाता है एंड द वे और द मेथड्स विच हिस्टोरियंस अप्लाई टू स्टडी हिस्ट्री इज़ कॉल्ड एज हिस्टोरियोग्राफी तो इस चैप्टर में हम लोग वेस्टर्न वर्ल्ड में अलग अलग हिस्टोरियंस ने कौन कौन से मेथड्स या कौन कौन से वेज अपनाए हिस्ट्री को स्टडी करने के लिए उसके बारे में हम लोग इस चैप्टर में स्टडी करने जा रहे हैं लेकिन सबसे पहला जो मैंने नोट्स में सबसे पहला पॉइंट लिखा है वॉट इज़ हिस्ट्री हिस्ट्री इज अ क्रोनोलॉजिकल रिकॉर्ड ऑफ द इवेंट्स विच हैव अकर्ड इन द पास्ट नो हिस्ट्री का मतलब क्या है कि हिस्ट्री में अलग अलग इवेंट्स लिखे हुए होते हैं हिस्ट्री की किताब हम पढ़ते हैं बचपन से पढ़ते है, आए हैं हिस्ट्री की किताब में क्या होता है कि अलग अलग इवेंट्स लिखे हुए होते हैं एंड दोज डिफरेंट इवेंट्स हैव ऑलरेडी अकर्ड इन द पास्ट एंड दोज इवेंट्स अभी इवेंट्स जो है वो कैसे भी नहीं दिए हैं इवेंट्स आर गिवन इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर मतलब जो सबसे पहले हुआ है वो सबसे पहले दिया जाएगा उसके बाद में जो हुआ है उसके बाद में और इन दिस वे इन अ क्रोनोलॉजिकल या टाइम जिस टाइम के हिसाब से ऑर्डर में लगा के इवेंट्स को बताया जाता है दिस इज़ कॉल्ड एज दिस इज़ जनरली कॉल्ड एज हिस्ट्री और हिस्टोरियंस ये काम करते हैं दे वो क्या करते हैं दे जनरली रिकॉर्ड हिस्ट्री मतलब हिस्ट्री अलग अलग किताबें लिखी जाते हैं अलग अलग इवेंट्स के बारे में तो आ, सालों से मतलब पिछले हजारों सालों से अलग अलग हिस्टोरियंस ने अलग अलग किताबें लिखी है अलग अलग डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट किए हैं उसकी वजह से हम हिस्ट्री को जान पाते हैं तो इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे हिस्टीरियोग्राफी मतलब क्या है अभी ओवरऑल हिस्टीरियोग्राफी मतलब अलग अलग मेथड्स एंड वी आर गोइंग टू स्टडी डिफरेंट मेथड्स विच 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 हैव ऑलरेडी यूज्ड इन द स्टडी ऑफ हिस्ट्री हिस्ट्री को जनरली एक साइंस की तरह ही देखा जा देखा जाता है या देखा जाया देखना चाहिए लेकिन साइंस में और हिस्ट्री में एक एक डिफरेंस है जो हमें इस किताब में बताया गया है और वो इम्पॉर्टेंट डिफरेंस है कि साइंस में अलग 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 साइंटिफिक फिनोमिना हम लोग स्टडी करते हैं तो साइंस में अलग अलग साइंटिफिक फिनोमिना स्टडी करते हैं तो उन साइंटिफिक फिनमिना को हम रियलाइज़ कर सकते हैं इन द लेबोरेटरी बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स हम लोग लेबोरेटरीज में परफॉर्म करते हैं और जो भी साइंटिफिक फिनोमिना हम स्टडी करते हैं उसको प्रूव करके देखते हैं विच चेक दोज फिनोमिना इन द लेबोरेटरीज लेकिन हिस्ट्री में ऐसा नहीं किया जा सकता हिस्ट्री में इट इज़ नॉट पॉसिबल बिकॉज हिस्टोरिकल इवेंट्स हैव ऑलरेडी अकर्ड जैसे कि वर्ल्ड वॉर टू है ये पहले हो गया है तो हम उसे वापस रियलाइज़ नहीं कर सकते हम उसे वापस जाके देख नहीं देख नहीं सकते या बर्थ ऑफ शिवाजी महाराज या मुगल एम्पायर इन इंडिया ये सारे हिस्टोरिकल इवेंट्स हैं ये सारे हिस्टोरिकल इवेंट्स हम वापस से रियलाइज़ नहीं कर सकते रिक्रिएट नहीं कर सकते तो हिस्ट्री में अलग अलग मेथड्स अपनाए जाते हैं देर आर डिफरेंट मेथड्स विच आर इम्प्लीमेंटेड तो उन उन मेथड्स की मदद से हिस्ट्री को वापस फिर एक बार रियलाइज किया जाता है तो uh, यहाँ पे हमारे टेक्स्ट बुक में पहले ही पहले पेज पे आप देखेंगे कि हिस्टोरिकल रिसर्च मेथड्स हमें एक एक सबसे पहले एक चार्ट दिया गया है मैंने नोट्स में भी दिया है वो दैट चार्ट इज ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च मेथड्स तो उस चार्ट के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं तो द मेथड्स ऑफ ऑफ हिस्टोरिकल नैरेटिव या फिर हिस्ट्री लिखने की मेथड क्या है सबसे पहली स्टेप है सॉरी सबसे पहली स्टेप है क्रिटिकली एग्जामिनिंग वेरियस सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री मतलब क्या कि अभी हिस्ट्री के अलग अलग सोर्सेस होते हैं हिस्ट्री के अलग अलग सोर्सेस होते हैं इसका मतलब क्या है कि अभी एंशियंट हिस्ट्री है एंशियंट हिस्ट्री को हमने ये पहले भी स्टडी किया है कि एंशियंट हिस्ट्री को स्टडी करने के लिए मतलब बहुत पुरानी हिस्ट्री है उसको स्टडी करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं मटीरियल सोर्सेस एंड डोज मटीरियल अभी दोज मटेरियल सोर्सेज आर फाउंड इन आर्कियोलॉजिकल साइट आर्कियोलॉजिकल साइट्स के बारे में तो आपको पता है कि मतलब ज़मीन में खोद के अलग अलग हिस्टोरिकल आर्टिफैक्ट्स को फाइंड आउट किया जाता है तो सबसे पहले उनको क्रिटिकली एग्ज़ामिन किया जाता है मतलब क्या कि ये सोर्सेज सही है या नहीं है कि ये हिस्टोरिकल आर्टिफैक्ट्स है या ये ज़्यादा मतलब ये हिस्टोरिकल आर्टिफैक्ट्स है या आ, आजकल के ही कुछ आर्टिफैक्ट्स है जो गलती से ज़मीन के अंदर चले गए तो उसको क्रिटिकली एग्ज़ामिन किया जाता है उसके बाद में सेकेंड स्टेप है एग्जाम इन रेफरेंसेस ऑफ हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन दूसरा पार्ट क्या है आ, ये जो हिस्टोरिकल आर्ट इफेक्ट्स या जो भी सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री मिले हैं उनको हिस्टोरिकल इवेंट्स के साथ रिलेट uh, किया जाता है अलग अलग हिस्टोरिकल इवेंट्स के साथ तीसरा है कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट हिस्टोरिकल ट्रांजिशन दैट मे हैव टेकन प्लेस हिस्ट्रीज में ट्रांजिशन एक इंपॉर्टेंट पार्ट है ट्रांजिशन मतलब एक इवेंट से दूसरा इवेंट जैसे uh, हमने एनशियट हिस्ट्री स्टडी किया है शायद से फिफ्थ सिक्स स्टैंडर्ड में तो एनशियंट हिस्ट्री में सबसे पहले था कॉपर एज स्टोन एज के बाद आया कॉपर एज और कॉपर एज के बाद आया आयन एज तो ऐसे कुछ एजेस uh, है वो पास ऑन हुए तो ये आर्टिफेक्ट्स को देख के उन्हें एग्जामिन किया जाता है कि ये किसी ट्रांजिशन को ये किस ट्रांजिशन को बताते हैं या ये किस फेज में से है नेक्स्ट है अंडरस्टैंडिंग अबाउट द टाइम एंड द प्लेस ऑफ द हिस्टोरिकल इवेंट हिस्ट्री में हिस्ट्री के डेफिनेशन में ही आता है क्रोनोलॉजी तो देयर फॉर कोई भी आर्टिफैक्ट या कोई भी डॉक्यूमेंट हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट या कोई भी हिस्ट्री का सोर्स हमें जब हम जब पाते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है वो किस किस टाइम पे वो यूज़ किया गया है या किस टाइम कितना पुराना है ये इसके लिए अलग अलग मेथड्स इस्तेमाल किए जा सकते हैं एक इंपॉर्टेंट मेथड है मटेरियल uh, सोर्सेज को आइडेंटिफाई करने के लिए एक <coughs> उसका एक इंपॉर्टेंट मेथड है कार्बन डेटिंग मेथड उसका इस्तेमाल uh, भी किया जाता है नेक्स्ट है नेक्स्ट स्टेप है फार्मूलेटिंग रिलेवेंट फार्मूलेटिंग रिलेवेंट क्वेश्चंस अभी ये जो सोर्स है हिस्टोरिकल हिस्टोरिकल सोर्स है इसके इसको अलग अलग तरह से क्वेश्चन किया जाता है इस सोर्स को क्वेश्चन किया जाता है मतलब क्या कि uh, ये सोर्स के ऑथेंटिसिटी को चेक करने के लिए अलग अलग क्वेश्चन किए जाते हैं और उस ये सारे प्रोसेस के बाद लास्ट स्टेप है फॉर्मुलेटिंग हाइपोथेसिस मतलब क्या कि इस सोर्स इस, uh, की मदद से एक कोई कंक्लूजन निकाला जाता है जो कंक्लूजन हिस्ट्री को और आगे लेके जाएगा तो दिस इज अबाउट द फर्स्ट पेज